तो और मेरे भाई लोग क्या हाल है आप लोग के। देखो जब फाइनली यहाँ पर ना इस बंदे का भी कॉन्करर होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, 100 या 150 पॉइंट चाहिए। मैं यहाँ पर इस बंदे का भी यहाँ पर कॉन्करर कंप्लीट कर देता हूँ। एंड जो भी बंदे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नया सीजन आने वाला है और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे ना यहाँ पर रेडी होने वाले हैं, क्योंकि उन लोग को यहाँ पर रैंक पुश करना है। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग को यहाँ पर कोई आगे से कोई जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पर नया सीजन में ठीक है जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है कि इवेंट के बारे में जानना है कि यहाँ पर आप लोग को रैंक पुश कैसे करना चाहिए, तो वो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बता देना, तो यहाँ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा एंड इसके प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग को यहाँ पर रैंक पुश कैसे करनी चाहिए। और अगर इवेंट में यहाँ पर मतलब सर्वाइव भी करना तो वो भी चीज़ बता देना। तो वो सही बताऊँ तो मैं भी यहाँ पर ज़्यादा तो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंदे हैं ना भाई बहुत ज़्यादा इवेंट पे आते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, अगर हम वहाँ फाइट दे रहे हैं, अगर 2-3 बंदों को मारने के बाद ना अगर हम वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, या तो 2 बंदे आते हैं जो कार बग्गी लेके आते हैं तो वहाँ पर निकल जाते हैं ठीक है। पर हम लोग यहाँ पर क्या होता है, स्केट बोट मिलती है, आपको पता होगी 2-3 बंदे मारने के बाद स्केट बोट मिलती है ना, तो आप वहाँ से तुरंत निकल लो, उसके बाद कार बग्गी ढूंढने के दो, उसके और जाके बंदे ढूंढ के मारो। ये सीन करने का है और कुछ भी नहीं करने का है ठीक है। अब बढ़ते हैं गैम्बल के ऊपर। यहाँ पर सीन क्या होता है ना, मेरे को यहाँ पर कार मिल जाती है, वहाँ मैंने 2 बंदों को मारने के बाद कार लेके निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं स्कूल की साइड पे आता हूँ ना, मेरे को यहाँ पे बंदा ग्लिच होता है, जो कि भाई टॉप पे सबसे ऊपर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आ रहा था तो मेरे को बंदा इजी ग्लिच हो चुका था। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो आपको भी यहाँ पर बंदा ग्लिच हो जाएगा। अब मैं स्कूल जैसे अंदर निकलता हूँ, मुझे यहाँ पर बंदे का साउंड आता है, तभी यहाँ पर मुझे कूप का भी एक साउंड आता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ पहले कूप वाले बंदों को मारूँ। एंड यहाँ पे भाई सच्ची बता रहा हूँ, इसको जो गंदे हेड पड़े ना, मजा आ चुका था। अब वहाँ पे कूप वाले बंदों को मारने के बाद जो ऊपर बंदा था, अब इसको जैसे मारने वाला हूँ ना भाई, इसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीन देखो बस आप लोग को बड़ा मजा आएगा। भाई बंदे को तो पता ही नहीं चला कि इसके साथ हुआ क्या, भाई अच्छा खासा सर्वाइव कर रहा था। एंड भाई इसको मारने के बाद ना यहाँ पर 2 बॉट और आ जाते हैं। बॉट को मारने के बाद जैसे यहाँ पर मैं हेल्थ ले रहा होता हूँ, तभी एक सामने बंदा और होता है, जो कि भाई स्कूल के अंदर था। अब हो सकता है कि बंदा रिकॉल होके आया हो या भाई ऑलरेडी वहाँ पर बंदा हो ठीक है। तो मैं वहाँ पर स्कूल के पास निकलता हूँ। अब यहाँ मेरे को क्लियर फुट आ चुका था बंदा है कहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे पे नेड करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं इस बंदे को यहाँ पर नेड से फोड़ दूंगा तो मज़ा आ जाएगा, पर मैं सोच लेता है ये नेड से बंदा फूटेगा तो ठीक है, अगर बंदा नहीं फूटेगा तो मैं बंदे पे यहाँ पर रस कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप शॉट नहीं खेलता ना, तो सच्ची होता ना ये बंदा मेरे को आराम से मार ही दिया था, क्योंकि जो एचपी मेरी इतनी ज़्यादा डाउन कर दी थी इस बंदे ने बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर इन बंदों को मारने के बाद मैं अपनी बग्गी लेता हूँ, बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ अपार्टमेंट पे, क्योंकि मुझे मेरा बंदा स्पॉट करना था। हो सकता है कि अपार्टमेंट में एक नया कोई बंदा होगा, अब मुझे नहीं पता था। जैसे मैं इस वाले अपार्टमेंट पर आऊँगा तो इधर ही एक बंदा होता है। और यहाँ पर मैंने इस बंदे को इजी मार दिया था। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना मैं बग्गी लेता हूँ, बग्गी ले से यहाँ से तुरंत निकलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बंदे स्पॉट कर रहे थे। तो मेरे को यहाँ ना सामने ड्रॉप देखते, तो मैं सोचता था ड्रॉप है ही, लेकिन हो सकता है कि बंदे भी यहाँ पर आए ड्रॉप के पास। तो इससे अच्छा मैं पहले यहाँ पर ड्रॉप को लूट लेता हूँ, और ड्रॉप में मेरे को मिल चुकी थी ग्रोसा। अब यहाँ पर मैं अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद ना जैसे यहाँ पर बग्गी लेके निकल रहा था, तो मेरे को यहाँ पर साउंड आता है डासिया का, तो मैं पीछे निकलता हूँ और बंदे को स्पॉट करता हूँ। और बंदे को तो मुझे इजी स्पॉट हो चुका, जो कि भाई घर के अंदर जा चुका था। अब पहले मैंने यहाँ सोचा था कि एक ही नेट करूंगा, एंड ये नेट से अगर बंदा फूट जाएगा तो ठीक है, बदना मैं इस बंदे पे यहाँ पर रस कर दूंगा। और भाई यहाँ पर जो बच्चा है ना, मेरे को पक्का कंफर्म था कि ये बंदा मेरी एचपी डाउन कर रहा था, इन बंदा फिर से यहाँ पर पिक करेगा। और मैंने इस बंदे को यहाँ पर तुरंत मारने के बाद हेल्थ वेल्थ लेता हूँ, उसके बाद बग्घी उठाता हूँ, अपनी बग्घी लेके मैं यहाँ से जैसे ही निकल रहा था, तभी यहाँ पर एक बंदे के साथ ना बहुत ही गलत स्कैम होता है। तुमको सामने बग्घी स्पॉट होगी, और जैसे ही बंदा यहाँ पर एग्जिट करके अपार्टमेंट में घुस ही जाता हूँ, उस बंदे को यहाँ पर मैं बहुत ही गंदा कुचल देता हूँ।
अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना मैं बग्गी लेके जैसे निकलता हूँ तभी मेरी नज़र आती है कि मेरे यहाँ पर ना 10 किलो हो चुके थे, और जैसे टोकन देखता हूँ मतलब पूरे टोकन हो चुके थे भाई फेलियर के लिए। तो मैं सोचता हूँ यार यहाँ पर थोड़ा रिस्क मत लो, अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँगा तो अच्छी खासी लूट चली जाएगी, ऊपर से यहाँ पर यार फेलियर भी मेरी चली जाएगी, तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेता हूँ। जो भी मेरे यहाँ पर किल हो चुके थे इन किल के साथ मैं यहाँ पर सर्वाइव करूँगा पूरा को पूरा गेम। तो मैं यहाँ पर सीधे शॉप पर आता हूँ, और शॉप में आने के बाद मैं फेलियर लेके यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर होल्ड करके खेलना था, क्योंकि पूरा मुझे यहाँ पर गेम सर्वाइव करना था और कैसे भी करके इस गेम में मेरे को चिकन भी निकालना था। तो इसलिए मैं यहाँ पर मतलब फ्लेयर लेता हूँ, और फ्लेयर लेने के बाद बग्घी लेता हूँ, उसके बाद सीधा निकलता हूँ स्क्वायर हाउस में, जो कि तुमको पता होगा रोजो के सामने जो स्क्वायर हाउस है जो कि रिकॉल वाला, तो वहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ। और सबसे पहले ना कभी भी आप किसी घर में या किसी सेट में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी जगह पर अगर आप होल्ड कर रहे हो ना, तो भाई मेरे भाई पहले यहाँ पर तुम चेक कर लिया करो, हो सकता है कि ऑलरेडी बंदा ले बैठा हो, या तुम सोचते हो कि भाई कार बग्गी नहीं है तो बंदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, हो सकता है कि बंदा रिकॉल होके सीधे इस घर में जाके बैठ गया हो, तो ये चीज़ पहले ट्राई कर लेना। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर हाउस में काफ़ी देर होल्ड करने के बाद ना यहाँ मेरा टाइम आता है फ्लेयर चलाने का, तो यहाँ मैं तुरंत जाकर फ्लेयर चलाता हूँ, और फ्लेयर चलाने के बाद सीधे घुसता हूँ भाई इतने स्क्वायर हाउस में, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी ओपन में तो भाई बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि तुमको पता है ओपन में रहोगे तो भाई गलत स्कैम हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें एक बंदे के तुम नशे देखना, मेरे फ्लेयर आए गए, मेरे को यहाँ पर बग्घी का साउंड आता है, अब यहाँ पर बंदा बहुत ही गंदा चूक हुआ, अगर हल्का भी उसको बंदे को ना अच्छा खासा मेरा यहाँ पर गोली चिपक जाता ग्रोजा का, तो ये बंदे को मैं इजी गिरा देता। अब ये बंदा पता क्यों आया था भाई, मेरे बी आइटम लेने के लिए, जैसे कि मैं तो पागल हूँ भाई, इनको बी आइटम दे दूंगा भाई, ये क्या बोलूँ मैं बंदों को। अब यहाँ पर जो भी था अपने बी आइटम लेके मैं यहाँ से तुरंत निकलता हूँ सर्कल में, क्योंकि मुझे यहाँ पर होल्ड करना था। और सबसे अच्छी बताऊँ ना, कभी भी जो सर्कल मेरा बनाना, अगर आपका यहाँ पर कभी भी सर्कल बनता अगर आपके पास बी आइटम है, तो भाई सबसे अच्छी जगह ये है एक गड्ढा, मतलब अगर आप बी आइटम को अपना रखते ना सेफ, तो आपको यहाँ पर बी आइटम पूरा का पूरा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मैं बी आइटम लेके यहाँ पर आ रहा था ना, तो मेरे को पीछे बग्गी स्पॉट होती है जो कि मेरे क्लोज आ रहे थे, इसको यहाँ पर डैमेज होने के बाद वो बग्गी वाला यहाँ पर भाग जाता है, और मैंने यहाँ पर ना काफ़ी देर वेट करने के बाद ना जैसे यहाँ पर टाइम होता है ना, मैं सोचता हूँ थोड़ा तो बूस्टर लगा लेता, हो सकता है कि कोई बंदा है, क्योंकि सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका था। अब जैसे ही यहाँ पर बूस्टर लगाता हूँ तो मेरे को यहाँ पर सामने मिराडो दिखती है, अब इस बंदे को मारने के बाद ना मैं सीधे घुस जाता हूँ बीआरडी में, क्योंकि मुझे यहाँ पर होल्ड करना था और अच्छा खासा यहाँ पर गेम भी मेरे को सर्वाइव करके चिकन निकाला था। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करा, और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद ना जैसे मैं अपनी बीआरडी में लेके आगे निकलता हूँ ना, अब यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे अलाइव थे, और जो सर्कल था वो घर के पास जा रहा था, अगर ओपन भाई सर्कल बनाए नहीं तो बीआरडी मेरे यहाँ पर काम है। पर भाई सच्ची बताऊँ ना, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, यहाँ बी आइटम बहुत काम आने वाली है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, लोगों सामने एक बंदा स्पॉट हुआ, बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज देने के बाद ना ये बंदा कवर में चल जाता है। अब यहाँ मैं ट्राई करता हूँ कि भाई 1-2 गोली अगर से उच्च पक जाएगी तो भाई पक्का मार जाएगा, क्योंकि इसकी एचपी ना काफ़ी डाउन हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करने के बाद ना जैसे अपने बी आइटम आगे लेके जाता हूँ, सिर्फ यहाँ पर 3 बंदे बचे थे, और तीनों बंदों को ना यहाँ पर मैं ही मारने वाला हूँ, वो चीज़ तुम देखना बड़ा मजा आने वाला है। अब जैसे मैं बी आइटम लेके आगे निकलता हूँ, अब तुम यहाँ पर नोटिस करना तुमको एक बंदा स्पॉट हो जाएगा जो कि भाई घर के बगल में जैसे बैठा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ इस पहले इस बंदे को मारूंगा। अब मैं जैसे इस बंदे को मारता हूँ ना, तभी यहाँ पर 2 बंदे थे, अब दोनों बंदों को मुझे यहाँ पर लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता था, तो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है मैं बी आइटम घुमाऊँ और बंदे को मुझे यहाँ पर लोकेशन मालूम पड़ जाए। तब मुझे यहाँ पर एक बंदे का लोकेशन मालूम पड़ता जो कि मेरे जस्ट सामने था, जिसको मैंने पहले यहाँ पर औखा डैमेज दे रखा था। तो यहाँ पर वेट करता हूँ कि बंदा करना क्या चाहता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा बंदे ने क्या दिमाग लगाया, स्मोक करा। अब स्मोक करने के बाद मुझे इस बंदे का व्यू नहीं मिलेगा, पर मेरे भाई मैं तेरे क्लोज हूँ, और क्लोज में तुमको पता है साउंड तो मिलेगा ना भाई, मेरे भाई बिल्कुल फुल टू फुल क्लियर साउंड मिलेगा। तो यहाँ पर वेट करता हूँ कि बंदा क्या करना चाह रहा है, और जैसे मेरे को यहाँ पर बंदे का साउंड आता ना कि भाई बंदा ना यहाँ पर सैक के अंदर बैठ गया था, तो यहाँ मैं एक नेड करता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे दूसरे बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, तो पहले मैं यहाँ पर नेड करता हूँ कि हो सकता है इस बंदा इसके अंदर बैठा हो। अब जैसे इसका मुझे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर बंदा नहीं है, तो इसीलिए
जो नेड करने वाला हो ना बस सीधे मैं सेक में करने वाला हूँ, मेरे को कन्फर्म था कि वहां पर बंदा बैठा हुआ है। अब जैसे मैं इस वाले बंदे को फोड़ता हूँ सीधे बीआरएम बैठता हूँ, तभी जो लास्ट वाला बंदा ना इसका भी सीट क्लियर साउंड आ चुका था, जो कि भाई बंदा ना ऊपर करके बैठा हुआ था। और मेरे को पता था भाई बंदा यहीं पे खड़ा होगा। और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना प्यारा चिकन हो जाए, जो कि तुम देख ही सकते हो 14 किल के साथ जो प्लस मेरे को मिला था इस डोमिनेटर पे, वो अच्छा खासा मेरे को यहाँ पर मिला था।